एक बार मंगल ग्रह पर दो एलियन आपस में बात कर रहे थे। ये देखो, मैं जादुई टेबलेट लेकर आया हूँ। इसे जो कोई भी खाएगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस टेबलेट को हम अपने राजा को दे देंगे, जिसे खाकर हमारे सैनिक बड़े हो जाएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये किसी को नहीं दूंगा। ये टैबलेट मुझे दे दे, ये टैबलेट मुझे दे दे। पहला वाला एलियन उस टैबलेट को फेंक देता है। वो टैबलेट मंगल ग्रह से बाहर चली जाती है और पृथ्वी पे गिरती है। एक जंगल में एक चूहा घूम रहा था। वो टैबलेट के पास पहुंचता है और टैबलेट को खाना समझकर उसे खा जाता है। टैबलेट को खाने के बाद चूहे के पास जादू होने लगता है और वो बड़ा होने लगता है। चूहा बहुत बड़ा हो जाता है। अब चूहे को भूख लगी थी। वो खाने की तलाश में गांव की तरफ चल देता है। चूहा गांव में पहुंचता है और लोगों की मुर्गियों को खाने लगता है। गांव के लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। सुनील बहुत ज्यादा डर जाता है और वो गांव से बाहर भाग जाता है। सुनील एक जंगल में पहुंचता है, तभी वहां पे एक खरगोश आ जाता है और खरगोश इंसानों की तरह बोलने लगता है। मित्र, कौन हो तुम और इस तरह सिर पे पैर रखकर काहे भाग रहे हो? सुनील खरगोश को बोलते हुए देखकर डर जाता है। भूत, भूत, भूत। डरो मत मित्र, मैं भूत नहीं हूँ, मैं एक जादुई खरगोश हूँ। गांव में बहुत बड़ा चूहा आ गया है, उसने पूरे गांव में तबाही मचा रखी है। चलो मैं देखता हूँ। अरे खरगोश भैया, क्यों मजाक कर रहे हो? वो चूहा बहुत बड़ा है, वो आपको कुचल देगा। अच्छा, ऐसी बात है, तो देखो। वो खरगोश बड़ा हो जाता है। अब तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ। सुनील उस खरगोश के ऊपर बैठ जाता है और वो दोनों वहां से गांव की तरफ चल देते हैं। खरगोश गांव में पहुंचता है और चूहे पे अपनी जादुई शक्ति से हमला कर देता है, लेकिन एलियन की टेबलेट की वजह से चूहे पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर। अरे बेवकूफ, तूने टेबलेट क्यों फेंक दी? अगर उसे पृथ्वी पे किसी ने खा लिया तो विनाश हो जाएगा। सॉरी भाई, मुझे क्रोध आ गया था, अब मुझे ही कुछ करना होगा। वो एलियन वहां पे एक रोबोट प्रकट करता है। जाओ रोबो, पृथ्वी पे जिस किसी ने जादुई टेबलेट को खाया हो उसे निकाल के लाओ। वो रोबोट वहां से उठता हुआ चला जाता है। रोबोट उसी गांव में पहुंचता है। अच्छा, तो ये है वो मूषक जिसने जादुई टेबलेट खाई है। रुक, मैं तुझे मजा चखाता हूँ। वो रोबोट अपनी शक्ति से चूहे के अंदर से मैजिकल टेबलेट को बाहर निकाल लेता है। टेबलेट के निकलने के बाद वो चूहा पहले जैसा हो जाता है। फिर वो चूहा वहां से जंगल की ओर भाग जाता है और वो रोबोट टेबलेट को लेकर वहां से मंगल ग्रह पे चला जाता है। अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शैतान लोक में एक चुड़ैल अपने परिवार के साथ रहती थी। चुड़ैल और उसका पति शैतान। चुड़ैल माँ बनने वाली थी। जब हमारा बच्चा होगा तो हम पूरे शैतान लोक को हड्डियों की दावत देंगे। सिर्फ हड्डियों की क्यों, हम मांस की भी दावत देंगे। तभी वहां पे एक बड़ा राक्षस आ जाता है। ए तुच्छ शैतान, यहाँ से चले जाओ, अब ये लोक मेरा है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इस लोक पे कब्जा नहीं कर सकते। अच्छा है, अच्छा है, तेरे मरने के बाद ही मैं इस लोक पे कब्जा करूंगा। राक्षस अपनी शक्ति से हमला कर देता है। शैतान भी अटैक करता है
वहां पे एक परा धमाका होता है। इस शैतान से बल से जीतना मुश्किल है, अब मुझे छल का सहारा लेना होगा। शैतान अपनी शक्ति से चुड़ैल पे हमला करता है। वो शक्ति चुड़ैल को जाकर लगती है, चुड़ैल वहीं पे गिर जाती है। शैतान चुड़ैल के पास बैठ जाता है, राक्षस मौके का फायदा उठाता है और शैतान पे हमला कर देता है। शैतान के पास एक धमाका होता है और शैतान खत्म हो जाता है। तब तक चुड़ैल उठकर खड़ी हो जाती है। शैतान अपनी जादुई शक्ति से चुड़ैल पे हमला करता है, जिससे चुड़ैल मुर्गी बन जाती है। चुड़ैल कहती है, राक्षस तेरा अंत समय आएगा, मैं वापस आऊंगी और तेरा अंत करूंगी। तूने मेरे पति को मार दिया, अब मेरा बेटा तुझसे बदला लेगा। जा रे जा, जो करना हो कर लेना, अभी पहली फुर्सत में निकल। मुर्गी चुड़ैल वहां से चली जाती है। अब मुर्गी चुड़ैल एक जंगल में रहने लगती है। कुछ दिनों बाद वो मुर्गी चुड़ैल एक अंडा देती है, तभी वहां पे उस राक्षस का एक जासूस जानवर आ जाता है। मुर्गी चुड़ैल तूने अंडा दे दिया, अब ये अंडा मुझे दे दे, ये अंडा मुझे दे दे। वो जानवर मुर्गी पे हमला कर देता है। तभी उस अंडे के पास जादू होने लगता है और उसमें से शैतान का बच्चा बाहर निकलता है। वो शैतान गुस्से में उस जानवर की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़कर जोर से घुमाता है, फिर पटक देता है, जिससे उस जानवर के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वो मर जाता है। शैतान अपनी मुर्गी माँ के पास जाता है। मुर्गी माँ अपने बेटे को पूरी बात बताती है। शैतान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मुर्गी माँ को लेकर वहां से शैतान लोक की तरफ चल देता है। वो दोनों शैतान लोक में पहुंचते हैं। राक्षस उन्हें देखकर, मुर्गी आ गई तू इस पिद्दी को लेके, ये पिद्दी मेरा क्या बिगाड़ेगा? राक्षस टेंशन लेने का नहीं, ये पिद्दी तेरा पाद निकालेगा। राक्षस अपनी शक्ति से हमला करता है, लेकिन उसका उस शैतान पे कोई भी असर नहीं होता। शैतान अपनी जादुई शक्ति से राक्षस पे हमला करता है, जिससे राक्षस पाद देता है और वहीं पे गिर जाता है। फिर राक्षस के शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर खत्म हो जाता है। फिर मुर्गी चुड़ैल भी अपने रूप में वापस आ जाती है। अगर आप ऐसी और मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।